नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, इसे अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे व्यास पूर्णिमा, व्यास जयंती, आषाढ़ी इत्यादि कई नामों से जानते हैं। गांव घर में कई प्रकार की परंपराएं प्रचलित इस दिन करने की। मुख्य रूप से क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाना चाहिए इत्यादि हम आपको बताएंगे, और कब है 2023 में ये भी बताएंगे। आषाढ़ी अर्थात गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इस पर चर्चा करें। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बारिश जब हो जाती थी, यानी कि आषाढ़ जब बारिश एक महीने हो जाती थी, तब चौमासा बिताने के लिए श्रेष्ठ ऋषि मुनि जी लोग एक स्थान पर जाया करते थे, और आषाढ़ श्रावण भाद्रपद कुवार और कार्तिक ये चार महीना एक ही स्थान पर बिताया करते थे। ठीक है, आज भी भारतवर्ष में जो श्रेष्ठ संत जन है वो एक ही जगह पर ये महीने बिताते हैं अपने। ठीक, जब बारिश का माहौल होता है, हर जगह पानी भरा रहता था, तो लोग कहीं नहीं जाते थे, एक ही स्थान पर। तो क्या होता था कि बैसाख ज्येष्ठ की जो भीषण गर्मी होती थी, उसके बाद बारिश होने के बाद, एक महीने आषाढ़ में बारिश होने के बाद, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी अभिभावक अपने अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर के श्रेष्ठ संतों के आश्रमों में जा करके उनसे सबसे पहले गुरु पूजन करवाते थे। सबसे पहले गुरु पूजन स्वयं अभिभावक भी करते थे और बच्चे भी करते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन करने के बाद फिर उन आश्रमों में बच्चों को एडमिशन मिलता था। ठीक है, फिर ये पढ़ाइयाँ होती थी। और आपको बताएं, दूसरी मान्यता ये है कि महाराज व्यास जी जो हैं, इन्होंने एक भील के बच्चे को आज के दिन गुरु अपनाया था। कुछ उसके अंदर ऐसे टैलेंट थे कि वो जंगलों में जाता था, नारियल के बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे नीचे करके नारियल तोड़ करके फिर वो खड़ा हो जाता था पेड़। इस प्रकार की कुछ अच्छी अच्छी विद्याएं उसके पास थी, जिन्हें सीखने के लिए भगवान व्यास ने उस भील के बच्चे को, भील मतलब कि समझ रहे हैं निम्न जात के बच्चा, ठीक है, भील मतलब SC ST समझ सकते हैं आप, उसको अपना गुरु बनाया था। क्यों? क्योंकि उनको वो विद्या सीखनी थी, जो बड़े बड़े पेड़ों को नीचे करके और कोई भी फल तोड़ करके और पुनः वो पेड़ उसी प्रकार खड़ा हो जाए। इसके लिए व्यास जी ने इसी व्यास पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन उस भील के बच्चे को अपना गुरु स्वीकार किया और समाज में उसका पूजन किया। तब से भी ये परंपरा चली आ रही है। अब आपको बताएं कि ये कब है 2023 में और गुरु का पूजन कैसे करें। देखिए, सबसे पहले शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु जो भी हैं उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए और पूजन सामग्री इत्यादि लेकर जाइए। सबसे पहले उनका पाद प्रक्षालन यानी पैरों को धुलिए, उनका चरणोदक ग्रहण कीजिए अपने शरीर तथा घर में छोड़ करके सबका वातावरण शुद्ध करिए। ठीक, उसके बाद गुरु को वस्त्र समर्पित कीजिए, चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पित करने के बाद आपके पास जो भी माला इत्यादि है उसे गुरुदेव को भेंट कर दीजिए। माला चढ़ाने के बाद उसके बाद आप धूप बत्ती दीप बत्ती इत्यादि से गुरु की आरती इत्यादि भी कर सकते हैं। जो फल मिष्ठान इत्यादि ले गए हैं उसे भी उनके चरणों में समर्पित करके कुछ द्रव्य इत्यादि दक्षिणा इत्यादि रख करके साष्टांग प्रणाम करें। स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार से गुरु की पूजन करें। यदि गुरु पास में ना हो तो आज के जमाने में फोटो सब लोग रख सकते हैं, फोटो का पूजन करें और गुरु से बात करें, आशीर्वाद लें। ठीक है, ये कब है 2023 में इसकी बात करें यदि, तो ये अपना पड़ रहा है 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को पड़ रहा है। आपको बताएं संडे को छुट्टी होती है और मंडे से सब लोगों का स्कूल भी खुलता है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं और आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में जा करके 3 जुलाई को अपने टीचर को ना कुछ कीजिए, ना सेवा पूजन कर सके तो प्रणाम नमस्कार तो कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। सबको सादर धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे।